शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। अरे ये सुबह सुबह केक करने लग गया। ये सारे ब्रश 2 दिन से ऐसे ही पड़े थे, अब मेरी तरह इनका भी नया सवेरा है। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। ये ओके ठाकुर साहब, आज भी कल पूरा दिन मैंने आपको खिलाया था ना। हाँ तो तुम्हारी वजह से 24 घंटे भूखा रहा हूं मैं। अब इतनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी तुम। ओहो, और ये सजा तुम्हारे को कब तक भुगतनी होगी? हुकुम, जब तक मैं तुम्हें आजाद नहीं कर देता। और तुम्हारे को मालूम मन्ने आजादी कभी ना मिलने वाली। बिल्कुल सही, इसलिए अब चुप रहो और मुझे खाना खिलाओ। आप भी ना ठाकुर साहब, बचपना करो। अच्छा, और तुम्हें बचपना नहीं चाहिए? भज गोविंदम। आइए ना गुरुजी। अब तो तुम ये मठ छोड़कर जाने की बात नहीं करोगे ना? नहीं गुरुजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब तो तुम्हें भी संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों को सुख देने में ही सच्चा सुख होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों को खुश रखे और तुम दोनों भी एक दूसरे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। रुक्मी, तुम्हारी मूर्तियां बेचकर जो पैसे तुम लाती थी वो दान करती थी, मेरा सुझाव है वो मत करो। वो पैसे अपने लिए बचा के रखो, काम आएंगे। जी गुरुजी। अब तुम अकेले नहीं हो, रुक्मी की जिम्मेदारी है अब तुम पर। गुरुजी, मैं वही सोच रहा था कि मैं क्या काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे हाथ में कला है, उसका इस्तेमाल करो। एक अच्छे और सच्चे कलाकार की ईश्वर जरूर मदद करेंगे। आज मठ के कुछ साधक मठ में बनाई हुई कुछ चीजें शहर के बाजार में बेचने जाएंगे, तुम भी अपनी तस्वीरें बेचने की कोशिश करो। भज गोविंदम। नीचे चल कमल, पंडित सा आ गए हैं। अपने आप को संभाल कमल, तने इस तरह देखकर रणवीर को अच्छा ना लगेगो। कैसे संभालूं अपने आप को मासा? मारो रणबीर को जन्म देने कितनी चहल पहल हो गई थी, घर कितना धूमधाम से मनाया करते थे हम इसका जन्म, और आज इसी को ऐसा कैसे करूं मैं, कैसे जाने दूं अपने को के जड़े को। अब तो वो चलो ही गए है कमल, मुक्त करते उसे। क्यों, क्या हो गया मासा? जाने की उम्र तो मारी थी ना, और मारी किस्मत मैं अच्छे हूं और मारा रणबीर चलो गया। बोलो मासा।
जी जी ये ठाकुर साहब को पसंद तो आवेगो ना? काहे ना पसंद आवेगा? तूने इतने प्रेम से जो बनाया है जरूर पसंद आवेगा। पर मारे को क्यों लगे कि कुछ कमी है इसमें? पता नहीं पर कुछ खल रहे हो मारे को। हाँ जी इस पे ठाकुर साहब के नाम का पहला अक्षर बुन दे तो अठे। हाँ ये अच्छा रहे मेरे को और गणों फूटरों भी दिखे। जी जी आप ही कर दो ना। मैं कहीं तू करना ना। जी जी आप ही कर दो ये सारो काम। आप भारे से जल्दी भी करो और फूटरों भी। और जी जी भारे को शाम को ये स्वेटर ठाकुर साहब ने पहनाना है ना। रसाल तू करेगी तो अच्छा रहेगा ना। जी जी आप ही कर दो। कर दो ना। तुम मानेगी ना? अरे वाह हैंडसम लग रहा हूँ। नहीं बस बस इतनी तारीफ करने की जरूरत ना है। एक मिनट मैं तुम्हारी ये स्वेटर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, खुद की तारीफ कर रहा हूँ। स्मार्ट लग रहा हूँ है ना? जाओ हमारे को आपसे बात ना करनी है। गुस्सा तो हरो नाक पे बैठा रहता। अच्छा बाबा सॉरी बस। ठाकुर साहब साची कौन है कि सचमुच आपको ये स्वेटर पसंद आया? हाँ हाँ सच में बाबा बहुत अच्छा है और खास करके जो आ रहे हैं ना एकदम यूनिक आइडिया है। ये तो जीजी ने बुढ़े हुए उन्होंने कहो कि आपके नाम को ठाकुर साहब। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे रुक्मी के हाथ की छुई भी कोई भी चीज मुझे मत दिया करो। अच्छी तरह जानती हो कि कितनी नफरत करता हूँ उससे। ठाकुर साहब अब आप गुस्सा ना करो, माफ कर दो मारे को। मैं साची कहूँ ठाकुर साहब ये स्वेटर मैंने ही बुने हुए। जी जी ने तो बस बस रसा लेके जाओ सर। मैंने कितने प्यार से आपके वास्ते ये स्वेटर बनाया पर हर एक छोटी सी भूल के कारण आप इस स्वेटर में देखना भी ना चाहो। आज मारे को मालूम हुआ ठाकुर साहब कि आपके वास्ते हमारी जीजी की नफरत हमारे प्रेम से भी घनी है। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया है अब पूरी सर्दी यही स्वेटर पहनूंगा कसम से। भाभी सा आपके मासा और पापा सा नीचे आ गए हैं। आप जाइए ये सब मैं कर लूंगी। तुम ये बैग पैक कर देना। भाभीसा ये स्वेटर डालना भूल गई।
हमारी बात मान। तारे पापा से ऐसे कोई बहानो बना ले और टाल दे इस बात को, समझो? मामा सा के बहाना बनाऊं? ये कोई ऑफिस जाने की बात तो ना है। कोई बहाना बनाए और घर पे बैठ गयो। वैसे भी रणवीर का नाम लेते ही पापा सा भावुक हो जावे, और खासकर उसके मरने के बाद वो घना अच्छा इंसान हो गया और मैं हमेशा की तरह बुरा। तुम दोनों अठे के करे दीप, नीचे चल, रस्म शुरू होने वाली है। ठाकुर मदन सिंह और उसका परिवार भी आ गया है, और थारे पापा से अगर उनके सामने थारे को कुछ भी कहेंगे तो तुम्हारे को अच्छा ना लगेगा। हाँ साहब, जाओ, मैं आता। भाड़जे, ठाकुर मदन सिंह, समझो। लेट्स गो। अरे बस कर भांजे, बस कर, बस कर। मामा, ठाकुर साहब, जब से रणवीर गयो है, मारो भांजो दीप आपे में ही नहीं है, फूट फूट कर रोवे। हालात ये सा है, किसी के भी आंख को पानी रह सके। जब से जीजोसा ने दान देने की जिम्मेदारी दीप भांजे पर सोपी है, तब से हमारा भांजो टूट गयो है। अब अपना दुख किससे कहे, अटे तो सभी दुखी। सुबेर साहब, अगर ठीक समझो तो मैं आपसे एक बात कहूं। ठाकुर साहब बोलो, के कहना चाहो, के बात है? सुबेर साहब, जब मैं इस हमारे और मारे घर पर खड़ो उपकार करो, तो मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सकियो। अगर उनके नाम को दान पुण्य में कर सको, तुम्हारे मन को घनो संतोष होएगो। अने लागे को कि मैं उनके लिए कुछ कर सकियो। क्या बात है ठाकुर साहब, आप दान करने जानो चाहो? देखो मना ना कर जो, चवनी साहब के खातिर मारे को इतना तो कर दे दो। पहली चाय भी ना पी। अरे वक्त नहीं मिला रुक्मी, एक घंटे के अंदर मुझे ये पेंटिंग खत्म करनी है, उसके बाद ये सारी तस्वीरें बाजार में ले आके बेचनी है। सच्ची ठाकुर साहब, आपके हाथों में घनो जादू है। ये सारी तस्वीरें घड़ी फुट रही है,
कौन सी ज्यादा सुंदर है ये कहना ही मुश्किल। ये सब तो तुम्हारी वजह से है रुक्मी। तुम्हारे प्यार ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है कि मुझे हर चीज सुंदर लगने लगी और बस वही सुंदरता मेरे दिल से मेरे कैनवस पर उतर जाती। अस्थियों का विसर्जन और पिंडदान नदी के किनारे ही किया जाता है। बहते हुए पानी में ही पिंडदान करने का विधान है, पर छोटे ठाकुर साहब की अस्थियां तो मिली नहीं, इसलिए उनका पिंडदान तो हो नहीं सकता। मासा से मैंने कहा था कि इस हवेली में हवन कराया जाए और इस कारण मैंने मासा को हवेली में हवन करने का सुझाव दिया है, ताकि आप सबको ये तसल्ली हो जाए कि छोटे ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार करके हमने उनके मुक्ति के मार्ग खोल दिए हैं। अब मैं छोटे ठाकुर साहब की आत्मा की शांति के लिए हवन और पाठ करूंगा, ताकि वो जहां भी हों उन्हें मुक्ति मिल जाए। ओम ब्रह्माय नमः ब्रह्माय तर्पम, ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे तर्पम, ओम रुद्राय नमः ओम रुद्राय। छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहितपावका न चैनं क्लोद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुता। हवन संपन्न हुआ, अब आप छोटे ठाकुर साहब के नाम से उनकी चीजें और जो भी अपनी खुशी से दान करना चाहें वो गरीबों में दान कर दें। दीप, क्या कर रही है? काम ठीक से ना कर सके तू? जल्दी भर वापस, जल्दी। स्वेटर ने कट्ठे लेकर जा रहे हो? इस बैग में किसने रखे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगी। अरे ठाकुर साहब की निशानी है। बेटी संभाल अपने आप को। के हुआ बिंदड़ी ने? ये जमाई साहब का स्वेटर रखने की जिद करे है। बिंदड़ी, मारे ठाकुर साहब की निशानी है ताई साहब। रणवीर की निशानी थारी कोख में पल रही है। जे तो अपने को परेशान करेगी ना, तो उसे भी परेशानी होवेगी ना। मामा साहब, इस मदन सिंह को जल्दी रवाना कर दो। गायत्री जी, आप रसाल को लेके ऊपर कमरे में जाओ, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चल ऊपर चल, जे स्वेटर को कोई ना लेवेगो। चल चल आज आज। बड़ी चुकाए, रसाल को इस कपड़े का त्याग करना ही होएगा। जब ऐसा की आत्मा को शांति दिलानी होगी, जो रसाल को उनकी किसी चीज से मोह रहा, तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? ठाकुर साहब, आप उतावली करो और निकलो यहां से। हाँ